टिटलागढ़ में फंसे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के 57 लोग। लॉकडाउन के दौरान टिटलागढ़ के पास सिकरी नामक एक गांव में कुल 57 लोग महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के फंसे हुए हैं। ये लोग उड़ीसा में बहुत दिनों से काम कर रहे थे। जिस दिन कमाते उसी दिन खाते, वरना भूखे सो जाते। इस पर पूरे भारत में लॉकडाउन के कारण इन लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा है। कोरोना वायरस के डर से गाँव के लोग उन्हें एक गाँव से दूसरे गाँव को भगा रहे हैं। अब इन्हें खाने पीने की बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मगर अभी ये लोग टिटलागढ़ के पास सिकरी गांव के एक जंगल में रहते हैं। जंगलों में पीने के पानी की असुविधा होने के कारण सभी लोगों की सेहत खराब होने लगी है। इस कारण उन लोगों ने गांव के पंचायत से बात करने के बाद एक सुरक्षित जगह पर रहने के लिए पंचायत द्वारा इन्हें जगह दिया गया है। गाँव के पंचायत और SHG ग्रुप की महिलाओं की मदद से इन सभी लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की गई है। टिटलागढ़ से गौरव दर्जी की रिपोर्ट, P24 न्यूज एक्सप्रेस। मो ना सुरेश कुमार मिश्र, मुई सगड़घाट ग्राम पंचायत पंचायत निर्वाही अधिकारी। गत रविवार संध्यारे आमर ग्राम पंचायत इलाका रे बंजारा 57 जन रहुछु बोलिक आसिक जनाले आर से गोटे जंगल पाखरे गोटे रोते आर आसिक जनाबार हेतु आम आनी गोटे सुरक्षित स्थान रे आम गाँ पाखरे आम गोटे पेंडी जगार रखागला आर ताकु 3 दिन लगे सुखा खाद्य दिगला जथा आमर चावल दिगला डाली दिगला पनीपरिया दिगला तेल दिगला लुण दिगला हाँ से लगी एवं उपजिला आहार केन्द्र रु डायरेक्ट खाना देवार लगे प्रतिश्रुति साथी गणपति बालनाथ। गणपति जी आपको आते टोटल उड़ीसा में हुआ, अपने में कितना हुआ है, क्या अच्छा ये इससे पहले थे हम सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गाँव है खमसरी, पहले वहाँ हमको 1.5 साल हुआ है। तो हम वहाँ रुक के हम हाथ भी देखे, सब हमारा सुविधा वहाँ हुआ है। हमारे बच्चे लोग आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, वहाँ सरकार भी उन लोग आंगनबाड़ी से कुछ हमको भात करूँ, डाली करूँ कि डाली नहीं कले डाली करूचु कि खटा टिके करूचु ने खटा नहीं कले तो डाली। राजगांवपुर सुंदरगढ़ जिला लॉकडाउन की वजह से बेल पहाड़ से 16 मजदूर रेल लाइन के किनारे किनारे चलते चलते अपने घर को जाते देखा गया। यह लोग जब राजगांवपुर स्टेशन में पहुंचे उसी समय राजगांवपुर के RPF इंचार्ज गोपीनाथ राउत ने इन्हें देखा और पूछताछ करने लगे। जब इन मजदूरों ने अपनी तकलीफ के विषय में RPF को बताया तभी राउत बाबू ने इन सभी मजदूरों को पहले पानी दिया और फिर खिचड़ी बनाकर सभी मजदूरों को खिलाया। राजगांवपुर से गंगाधर बाग की रिपोर्ट, P24 न्यूज एक्सप्रेस। कहां से आप लोग आए हैं? मनोहरपुर से। नहीं, अभी यहां कहां से आए? झारसुगुड़ा से। क्या काम कर रहे थे? भूषण में काम कर रहे थे। भूषण में हाँ। तो अभी आप लोग कहां जा रहे हैं? अभी मनोहरपुर जा रहे हैं। तो कोई व्यवस्था आप लोग खाने उने का? कुछ नहीं। तो आप लोग वहाँ कब निकले थे झारसुगुड़ा से? हम लोग परसों काले निकले थे। कल निकले थे। यहाँ पे कितना बजे पहुँचे राजगांवपुर में? अभी हम लोग 11 बजे। तो यहाँ अपने खाने वाने का व्यवस्था मिल रहा है ना आप लोगों को? मिल रहा है। ठीक है। मनोहरपुर में पूरा घर कहाँ पे है? सरायकेला। ठीक। रेंगाली की शाम डेरी स्पॉन्ज आयरन फैक्ट्री में काम बंद होने की वजह से 7 मजदूर कल शाम को रेल लाइन के किनारे किनारे होकर पैदल पैदल अपने घर को निकल पड़े। रेंगाली से निकले कल निकलकर आज शाम के 6 बजे बामरा रेलवे स्टेशन तक पहुंचे थे। सूचना के मुताबिक ये सभी मजदूर अलग अलग जगहों के होने की जानकारी प्राप्त, जिसमे कई चाईबासा के तो कई चक्रधरपुर के होने पर सभी अपने घरों को जाने के लिए इस प्रकार संघर्ष कर रहे हैं। इन मजदूरों का नाम नव किशोर गुगरी, पिता स्वर्गीय बागन गुगरी, उम्र 40 वर्ष, और दूसरे का नाम
सरवन सोय पिता स्वर्गीय देवेंद्र सोय उम्र 48 वर्ष और तीसरे का नाम रामलाल गोप पिता चक्र गोप उम्र 30 वर्ष और चौथे का नाम राजेंद्र गोगरी पिता स्वर्गीय डेगेरू गोगरे उम्र 26 वर्ष और पांचवे का नाम विशाल बांद्रा पिता चमरा बांद्रा उम्र 22 वर्ष छठवे का नाम डोमन होजाम पिता बुधु होजाम उम्र 32 वर्ष और सातवे का नाम गुप्ता अर्धा उम्र 35 वर्ष बामरा समाज सेवक की ओर से इन सभी को खाने पीने की व्यवस्था बामरा रेलवे स्टेशन पर करवाई गई थी और वहां खा कर निकले अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। बामरा से अनिल शर्मा की रिपोर्ट P24 न्यूज एक्सप्रेस। स्कॉर्पियो गाड़ी पलट बामरा। आज संबलपुर जिले के गोविंदपुर पुलिस सीमा अंतर्गत केचुपानी गांव में रहे एक पार्क के सामने एक स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर OR15R2223 दुर्घटनाग्रस्त। यह गाड़ी एक PDAS चावल गाड़ी के ब्रेकडाउन हो जाने की वजह से मरम्मत के लिए टांगर मुंडा गांव गई हुई थी और वापसी आने के समय आज सुबह के लगभग 10 बजे अचानक से एक गिलहरी के सामने आ जाने की वजह से ब्रेक मारने पर घटी यह दुर्घटना। सूचना के मुताबिक यह गाड़ी बामरा डुमेर मुंडा गांव के निवासी बबलू यादव पिता राम यादव होने की जानकारी प्राप्त हुई है। घटना स्थल पर गोविंदपुर थाना अधिकारी पहुंचकर गाड़ी को गोविंदपुर थाना लाकर इस पूरी घटना की छानबीन कर रहे हैं। बामरा से अनिल शर्मा की रिपोर्ट P24 न्यूज एक्सप्रेस। कोतपुर में क्वारंटाइन घर का निर्माण कार्य शेष। उड़ीसा के जाजपुर जिला के धर्मशाला ब्लॉक अंतर्गत कोतपुर पंचायत में क्वारंटाइन घर निर्माण का कार्य संपूर्ण। जगुलाई हाई स्कूल में निर्माण हुए 7 बेड और कोतपुर मेडिकल में 3 बेड की व्यवस्था की गई है। इन सभी कार्यों की देखरेख धर्मशाला BDO स्मिता रथ कर रही हैं। सूचना के मुताबिक जाजपुर जिला प्रशासन के निर्देश अनुसार 311 पंचायत में से 305 पंचायत में इस क्वारंटाइन घर का निर्माण कार्य खत्म हो चुका है और बाकी बच्चे 2 से 3 दिनों में अंतिम होने की जानकारी प्राप्त हुई है। विदेश से या किसी अन्य राज्य से आए हुए किसी भी व्यक्तियों को आशा कर्मी आंगनवाड़ी कर्मी स्वास्थ्य कर्मी और पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा उन लोगों की जांच कर उन्हें इस क्वारंटाइन घर में रखने का निर्देश दिया गया है। जाजपुर से दीपक कुमार मलिक की रिपोर्ट P24 न्यूज एक्सप्रेस। ଆମର ଏଠି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଦୁଇଟା ଅଛି କୋତପୁର PSCରେ କୋତପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ। କୋତପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ 7 ବେଡ୍ ପଡ଼ିଛି କୋତପୁର PSCରେ 3 ବେଡ୍। ଆଇସୋଲେସନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସଚେତନତା ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କୋତପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଯାଇ ଘରେ ଘରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଦାକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେ ଆଟ୍ ହୋମ୍ ଏମିତି କହି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।